आईपीएल का 12 मैच हैदराबाद और गुजरात के बीच खेला गया। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, लेकिन हैदराबाद का पहले बैटिंग करने का फैसला बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। हैदराबाद के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा रन 20 बॉलों में 29 रन बनाए। इसके अलावा अब्दुल सहमद ने भी 14 गेंदों में 29 रन की पारी खेलकर हैदराबाद के स्कोर को 162 रनों तक पहुंचाया। और इस तरह हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 162 रन का टारगेट बनाया। इस मैच में गुजरात के लिए मोहित शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी की। मोहित शर्मा ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। एक आगे के मैच के बारे में बात करूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है, और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। 63 रन का पीछा करने के लिए गुजरात टीम ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत करी। गुजराती टीम के लिए रिद्धिमान शाह ने 2 छक्कों की मदद से 13 गेंदों में 25 रन की पारी खेली। इसके साथ ही कप्तान शुभम गिल ने भी 28 गेंदों में 36 रन बनाए, और बाकी बचा हुआ काम साई सुदर्शन और डेविड मिलर ने कर दिया। साई सुदर्शन ने 36 गेंदों में 45 रन की पारी खेली। इसके साथ ही डेविड मिलर ने 27 गेंदों में 44 रन बनाए। इस तरह गुजरात टीम ने यह मैच 7 विकेट से अपना नाम कर लिया, और गुजरात के 3 विकेट लेने वाले मोहित शर्मा को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।